चलता रहूंगा इस पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा इस पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है मैं वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे समास यानी कंपाउंड की, जो कि इम्पोर्टेंट रहता है 9th-12th आल क्लासेस के लिए और स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आती है। तो देख लेते हैं कि समास होता क्या है। तो समास यानी समास का मतलब होता है संक्षेपण करना। जो भी जब दो पद दिए होते हैं दोनों पदों के मेल को हम समास कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जो होगा वो समास कहलाता है। और जब समास हो जाता है तो वह पद क्या कहलाता है, सामासिक पद कहलाता है, उसे सामासिक पद कहते हैं। तो देख लेते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। तो टोटल जो समास बताए गए हैं वो 6 टाइप्स हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। आप टोटल 2 पार्ट में हम बताएंगे आपको, पोस्ट कर लिया। तो देखते हैं आज पहले अव्ययीभाव समास। इसमें होता क्या है दोस्तों कि पहला पद अव्यय होगा तथा उसी पद की प्रधानता होती है, यानी पहला पद जो होगा वो अव्यय होगा और तथा उसी पद की प्रधानता होती है। टोटल अगर देखा जाए तो समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद यानी पहला पद और दूसरा होता है उत्तर पद यानी बाद वाला पद। तो देख लेते हैं प्रतिदिन यानी हर एक दिन, हर एक दिन। दूसरा होगा यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। तीसरा इसी प्रकार है प्रत्येक, तो क्या हो जाएगा हर एक, हर एक। तीसरा दिया है आ जन्म यानी जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, प्रति यथा प्रति और आ, ये जो वर्ड आ रहे हैं ये क्या है दोस्तों, अव्यय शब्द हैं। डेफिनेशन क्या थी इसकी कि अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है तथा उसी की प्रधानता होती है। और इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसको पहचानेंगे कि इससे पहले इसका जो पहला पद होता है पूर्व पद होता है अव्यय होता है और वो अव्यय पद ज्यादातर उपसर्ग होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं उत्तर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। इससे पहले जो अव्ययीभाव समास था उसमें प्रथम पद जो था पूर्व पद की प्रधानता होती थी, लेकिन तत्पुरुष समास में क्या है, उत्तर पद की प्रधानता होगी और ये प्रथमा विभक्ति को छोड़कर सभी विभक्तियों में ये समास पाया जाता है और विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। टोटल ये 6 टाइप्स के होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे ग्रामागत यानी गांव को गया हुआ, गांव को गया हुआ। सेकेंड है आपका बाणाहत यानी बाण से आहत। नेक्स्ट है गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। नेक्स्ट है आपका आकाश पतित यानी आकाश से गिरा हुआ। नेक्स्ट देख लीजिए राजपुरुष यानी राजा का पुरुष। नेक्स्ट है आपका पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। अब देख लीजिए क्या बताया था कि ग्रामागत यानी गांव को गया हुआ, इसमें क्या लोप था, को विभक्ति चिन्ह से विभक्ति चिन्ह, यहां पे के लिए। नेक्स्ट में से का में, तो क्या पता चल रहा है, तो ग्रामागत जो था वो यानी आपका गांव को गया हुआ, इसमें द्वितीया विभक्ति यानी कर्म कारक तत्पुरुष समास है। सेकेंड जो आपका है बाणाहत यानी बाण से आहत, से विभक्ति चिन्ह है, ये आपका करण कारक तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट जो है गुरु दक्षिणा, ये के लिए चतुर्थी विभक्ति है यानी संप्रदान कारक
समास हुआ। नेक्स्ट आकाश पतित, ये अपादान हुआ, अपादान कारक तत्पुरुष समास। नेक्स्ट राजपुरुष, इसमें जो संबंध दिखाया जाता है, जिसका जिससे संबंध होता है, तो षष्ठी यानी षष्ठी तत्पुरुष। नेक्स्ट है आपका पुरुषोत्तम, इसमें जो कारक चिन्ह होगा वो मे पर होगा, इसमें सप्तमी विभक्ति है। दोस्तों अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हमें बताएं, और हमारा जो चैनल है हिंदी के रंग पिन सर के संग, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।